यस सर, यस सर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई शंका लघु शंका, अरे बोलो, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? चलो नहीं नहीं सर। तैयार हैं आज आप लोग? हाँ सर, आपने कहा था भेजे तो है। हाँ, बेइज्जत होने के लिए आज फिर तैयार हो। तो बेइज्जत क्या, आज तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो रैंक वाले क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तुम लोगों कर लिए क्या? वो यस सर। सारे हो गए थे? दो सर रिपीटेशन वाले नहीं। रिपीटेशन वाले नहीं हुए, वो तो मैं करा दूंगा, वो कोई इशू नहीं। उसका तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, मैंने सिखाया भी था सर पिछली क्लास में। नहीं, पिछली क्लास में नहीं सिखाया था, आज सिखा दूंगा। तो कुछ खास नहीं होता वो, ठीक है? अभी आ जाएगा वो, अब भी करके देता हूँ, ठीक है? चलो, तो सभी लोग आ गए, मानसी, पुलकित, ऋषिका, देवेश, सिद्धार्थ, बस इतने लोग आए हैं अभी तक। प्रकाश आ जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पेट में दर्द है। और तो करते हैं प्रोजेक्ट। स्क्रीन डिस्प्ले हो गई भाई? यस सर। यस सर। देखो, दिख रहा होगा, स्मार्ट सिटी टीचर दिख रहा होगा सामने। चलो, तो वर्ड है बनाना। बनाना बोले तो केला। जो दर्जन के हिसाब से मिलता है केला, दर्जन के हिसाब से मिलता है दिल्ली में, राजस्थान, मुंबई वगैरह में किलो के हिसाब से मिलता है। तो इसको करना है हमें स्टार्ट। तो इसका क्या करना है, इसमें क्या दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? हाँ, सर रिपीटेशन रिपीटेशन है इसकी, सिर्फ दिक्कत देखी है कि इसमें रिपीटेशन है। इसकी रिपीटेशन का क्या करें? तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला था कि इसको लिख लो, DANA, कुछ ऐसे है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, इसकी रेटिंग करना। तो हम रेटिंग करते हैं इसकी, मतलब पहले नंबर पर ये आता है तो ये भी पहले नंबर पर ही आएगा, ठीक? तो ए हो गया और ये भी पहले नंबर पर आएगा, ये तो ए हो गया। उसके बाद बी, ये दूसरे नंबर पर आ गया। सी डी ई एफ, अब ए की लेटर बचा वो भी तीसरे नंबर पर आ गया। बताओ, इस चीज में किसी को आपत्ति है तो बताओ। तो यही सिखाया था, सर। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, इससे इधर कितने छोटे हैं? तो आप कहोगे इससे इधर एक ही छोटा है। वे क्या करते थे बताओ? इससे छोटे इधर एक ही है, पर वो 3 बार है तो एक ही बार। हाँ तीन बार है ना, तो तीन बार लिख सर। लें क्या? यस तो लो, तीन बार लिख लेते हैं। लिख लिया, क्योंकि रिपीटेशन है ना यहाँ पर। 1 2 3, तीन बार लिख लिया। अब इस पर आओ, इससे छोटे इधर कितने हैं? जीरो जीरो जीरो, जीरो लिख दिया। अब इस पर आओ, इससे छोटे दो दो हैं तो दो लिख देता हूँ। इससे छोटे, इससे जीरो जीरो छोटे एक, एक इससे छोटे जीरो जीरो, ठीक? चलो, ये तो हो गई रेटिंग करना कि भाई इससे छोटे कितने हैं। तो जितनी बार था उतनी बार लिख दिया, एक बार होता तो एक बार लिखते। अब चल रहे हैं दूसरी चीज पे। भाई इतना तो हमने पिछले वाले में भी किया ही था। अब एक बार बताओ, एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंक्लूडिंग दिस, ये इधर कितनी बार रिपीट हो रहा है, बाकी लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो आप कहोगे ए जो है 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल लिख दो, एन जो है 2 बार है तो 2 बार फैक्टोरियल लिख दो, ठीक? इसकी बात करते हैं ए की, इंक्लूडिंग दिस कितने लेटर रिपीट हो रहा है? तो आप कहोगे 3 और 2, वापस तो वही आएगा। अब यहाँ की बात करो, जब यहाँ की बात करोगे, ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा है और एन की बात करोगे तो वो 2 बार है, क्लियर है ये बात? 0, यानी ए की बात करो तो इंक्लूडिंग दिस, तो भैया 2 फैक्टोरियल यहाँ भी आ जाएगा और एन तो एक ही बार है। एन कोई रिपीटेशन है क्या?
बताओ, नहीं है कोई रिपीटेशन नहीं तो जीरो फैक्टोरियल, यहाँ भी कोई रिपीटेशन नहीं तो जीरो फैक्टोरियल, क्या ये बात क्लियर है? तो ये बात नहीं सीखी आज। एक चीज हमने जो और सीखी थी पिछली क्लास में, भाई ये कितना आ रहा है, ये इस वाले की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लेटर कितने, दो चार और छ, अगर छह लेटर है तो हम क्या करते थे, पांच फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल, यही करते थे। नाउ द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 3 2 फैक्टोरियल इंटू 120 प्लस, मुझे बताना ठीक है, कहीं पर कुछ समझ ना आए या मैं कुछ गलत करूं। दैट इज 24 प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 प्लस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 लिखते हैं सीधा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत किसी को, सब क्लियर है? यस सर, बताओ क्लियर क्लियर है। है? ठीक है। तो अगर मैं असली में देखूं तो ये पूरा कितना है, 12 यस है ना, ये भी कितना है, 12 भी है। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 6 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 6 दूनी 12, ये कितना है, देखो यहाँ 0 है तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ 0 है इसका कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ 0 है इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्या बचा, इससे इसको काट दिया, 30 आ गया प्लस, ये खत्म हो गया, ये 2 9 3 तो 3 ही आ गया प्लस, इसका कोई सेंस नहीं, इसका 1 आ गया, कितना हो गया ये 34, और क्या पता था आप लोगों को, प्लस 1 करते थे, कितना आ गया 35th। क्लियर है? अभी यस सर, ऐसे ही करना है, समझ आ गया? एक और कर लेते हैं, यस सर, अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको दिया था हमने, वही तो हो गया होगा, यहाँ से कोई सा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वर्ड है जिसमें रिपीटेशन हो रहा हो, तो रिपीटेशन में मिरर है, पूजा है, भारत है, आशीष है, सबसे पहले मिरर कर लेते हैं, ठीक है, प्रोसीड कर लेते हैं कुछ। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं इस बार, सबसे सिंपल यही है, इसको लेते हैं रेटिंग की 1, 2, 3, 3, 4, रेटिंग सही है अभी? यस सर, यस सर, चलो इससे छोटे इधर की तरफ कितने हैं, दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, चार, इससे छोटे इधर कितने हैं, दो इससे छोटे, दो इससे छोटा, एक इससे छोटा, जीरो रिपीटेशन यस भाई, जब इसकी बात हुई तो रिपीटेशन खत्म हो गई, बाकी सब में रिपीटेशन की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है? राइट right? टोटल कितने लेटर हैं, 2 4 5, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, क्लियर है? तो ये 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस
इंटू टू सबको सर जो जब आपने उसमें डिवाइड करा है वो जो यस पूछने वाला वो समझ नहीं आया। अभी उतर देता हूँ सर बताओ, ओ को इंक्लूड नहीं करेंगे? अभी उतर देता हूँ। अब बताओ देखो, ये तो हो गया, ये वाला समझ आ गया, ब्लू वाला। यस सर। अब ये बताओ बेटा, इससे इधर की तरफ रिपीटेशन कितने की है, कितने लेटर रिपीट है? एक 3 की रिपीटेशन है, ध्यान से देखो। ओ ओ वो कितनी बार है, दो बार टू पिछले कितनी बार लिखा? ठीक फैक्टोरियल है, अब पिछले वाले पे जाओ, देखो यहाँ से देखो, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये बी था, बी से इधर रिपीटेशन कितने की थी, इसकी ए और इसकी एम की इसकी इसकी, यानी 3 बार एन और 2 बार, 3 बार ए और 2 बार एन, वही लिखा था ना हमने यहाँ पे, देखो। यस सर। जब हम इस पे पहुंचे थे, जब हम इस पे पहुंचे तो इंक्लूडिंग दिस रिपीटेशन, दिस 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 और दो, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है, इंक्लूडिंग दिस, अच्छा यहाँ पे 2 आ जाएगा बस। अच्छा ठीक, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 2 से 2 काट दिया, तो ऐसे कर लो दिस इंटू दिस, तो ये 2 इससे काटोगे तो ये आपका 2 बचा होगा, और ये 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 अपॉन 2, तो ये पूरा कट ही गया होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा होगा, बाकी तो सही है। ठीक है, तो बाकी कर लोगे सॉल्व सब? हाँ सर भाई हो जाएगा, बताओ बच्चों आगे कोई बोल और कर लेते हैं। इसको लिख देता हूँ पहले तुम्हें, 2 इंटू ये 24 होता है ना, और ये आप, 60 आएगा। ये 6 और ये आपका 4 और ये 1, तो 24 दूनी 48, 6 4 10 और 11, तो कितना, 69 प्लस 1, तो ये 60 था गया। ठीक है, हाँ सर 59 सर, 59 59, तो जैसे 60 हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए किसका नाम ले आप, एवेस ले लेते हैं, कुछ रिपीट होता है क्या? सिद्धार्थ हो रहा है सर। तो इसमें तो कुछ नहीं रिपीट हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड नाम ही नहीं रखा मैंने। हाँ बहुत सिंपल सा रखा, कोई गंदा सा नाम लेते हैं, देखते हैं अरे कौन। इसी का ही ले लो, इसी में आई रिपीट हो रहा मैंने गंदा सा कहा तुमने एशिया का, इसी का, इसी का सुना, सर। सर उसने तो कहा ही नहीं कुछ, उसने आप कहा ही जो कह कुछ कहा, रहे मैंने हो। कुछ नहीं कहा, मैंने गंदा सा नाम लिया था, कह रहा इसी का ले लेते हैं। चलो तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये मान लीजिए 1 रैंक हो गई इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो ये दूसरा हो गया, जे तो है नहीं कहीं, के सर एच भी है, सर एच भी है, एच सेकंड तो अरे आएगा। बस 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 एकदम, ये सर एच पहले आएगा ना। हाँ एच पहले आ जाएगा, तो 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा ना, ये यस सर। तुम तो डंडा लेके पड़ गए मेरे पीछे एकदम से, तो ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, और ये आई कहाँ पर आता है, तो सर ये 3, और ये लास्ट हो गया 5। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है, चलो करो तुम लोग बताओ मुझे क्या करेंगे इसमें। मैं सिर्फ एक रेटिंग कर देता हूँ, एक काम मैं कर देता हूँ, इससे उधर कितने छोटे हैं, तो इससे उधर एक ये छोटा दो दिख रहा है, एक ये छोटा दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा, तो 2 लिख दिया, इससे इधर 1 2 3 4, 4 छोटे दिख रहे हैं, इससे उधर सिर्फ 1 दिख रहा है, इससे उधर 1 दिख रहा है, इससे उधर अगेन 1 दिख रहा है, और ये 0 दिख रहा है, इतना मैंने काम कर दिया, बाकी का आप करो, बताओ मुझे आंसर क्या हुआ।
226 चलिए एक दो का और आने देते हैं, फिर करते हैं इसका ना। सबका एक जैसा आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सबके अलग अलग आंसर तब तक ना आए, सबके जब अलग अलग आंसर आते हैं तभी तो अच्छा रहता है। चलो कर लेते हैं ट्राई। तो इसके बाद हमें रिपीटेशन का खेल खेलना था, तो इंक्लूडिंग दिस रिपीटेशन किसका हो रहा है? हो रहा है किसी का? आई का ही हो रहा है आई का। तो कितनी बार? टू फैक्टोरियल इसके अलावा तो किसी का नहीं है। और नो सर अब रिपीटेशन किसी का नहीं बचा, ये कट गया। अब कितनी बार है? टोटल 5 लेटर है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल प्लस, सर 6 लेटर है ओए, तो यहाँ पर 5 लिख लो लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 4 फैक्टोरियल, ये आपका 3 फैक्टोरियल, ये आपका 2 फैक्टोरियल, ये आपका 1 फैक्टोरियल, और ये 0, उसको तो छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 120 होगा, ये 4 × 24 होगा, ये 1 × 6 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 120 प्लस 96, और ये आपका 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। 9 6 15 का 5 1, 9 और 1 10 22, कितना आ रहा था आप लोगों का? सर 226 6 आ जाएगा वो, ठीक है। वो 1 ऐड कर दिया ना आप लोगों ने, तभी मिला के 226 हुआ। तो यस सर यार सबका ही आ रहा है। यस सर यस सर ये वाला इजी था। यस सर एक और करा, मतलब इतना गंदा सर वही ले लो सर एनसीईआरटी में नहीं है MISSSS पता नहीं क्या है मिसिसिपी। अरे वहां नहीं, असैसिनेशन ये वाला कह रहे हो? ये वाला भी सही है सर, ये वाला भी सही है वैसे ये है। सर कुछ भी बना दो भी दिखता है जी। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, डबल एस आएगा यहाँ पर फिर। ये है मान लो, इतना लंबा बनाओगे क्या? रेटिंग ही करते रह जाओगे। दूसरे नंबर पे कौन आता? आई यस सर आई आएगा सर, फिर एन आएगा फिर ओ आ जाएगा। ठीक है। चलो भाई इससे छोटा ढूंढो। सर आपने टी को लिया ही नहीं। अरे यार यस सर ये तो पाप हो गया। कौन से नंबर पे आएगा? सच है सर 7 सॉरी 6 सॉरी। लो इस पाप से मुक्ति पा ली है हमने।
सबसे पहले इससे छोटा कोई है क्या? नो सर। ओके, इससे छोटा? इससे छोटा? एक, दो, तीन, आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात आएंगे। सात आ रहे सर। इससे छोटा अगेन सात, इससे छोटा जीरो, इससे छोटा छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इससे छोटा दो। सर आई के नीचे वन है, एक आएगा आई पे। इससे छोटा एक है, ठीक है। एन से उधर दो, और ए से उधर जीरो, टी से उधर तीन, आई से उधर जीरो, ओ से उधर एक, और एन से उधर जीरो, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको कितने डिवाइड करें, इंक्लूडिंग दिस? तो एक बार ये खुद हो गया, दो बार सर, तीन, तीन बार, तो तीन फैक्टोरियल तो ये आ गया। एस ढूंढ लो, दो तो चार, उसके अलावा क्या है, आई रिपीट हो रहा है दो बार, वो हो गया। एन, एन भी आ जाएगा, एन भी दो बार है, ये तो पहले का हुआ, दूसरे वाले कर लो इंक्लूडिंग दिस, तो दो ये हो गया, मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस ए जो है एक कम हो जाएगा, राइट। यस सर। तो हुआ है सात, ए जो है पिछली बार दो बार था वो एक बार रह जाएगा, तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, इतना रह जाएगा। फिर अगेन सात, तो अब इस वाला ये एस वाला भी एक कम हो जाएगा, तो इंक्लूडिंग दिस करेंगे तो तीन फैक्टोरियल ये हो जाएगा, तो ये मेरे सिग्नल गए या सर की? सर की फ्रीज हो गई है स्क्रीन पे और आवाज। आप भी लीव होने वाले?
हेलो यस सर यस सर देवी सज्जनों कार्यक्रम फिर से चालू करते हैं तो ऊपर वाले में कुछ मिस्टेक थी क्या इसमें सेकंड वाले बताओ मुझे कुछ मिस्टेक हो सर सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही अभी Oh shit. Oh my god. अब दिख रही है? Yes sir. ये अब मुझे बताओ इसमें कोई मिस्टेक थी कहीं पर? इस वाले में? सर शायद से नहीं है. देखो. नो सर नहीं है सबसे पहले हमने तीन की बात की थी भाई थी ए जो कितनी बार था यहाँ पर तीन बार था इंक्लूडिंग दिस तो हमने तीन फैक्टोरियल लिखा था राइट और हमने नीचे भी थ्री फैक्टोरियल लिख रखा था जब हम एस की बात कर रहे थे जब हम एस की बात करेंगे तो हमारे पास कितने ए बचे हुए हैं दो फैक्टोरियल बचे हुए हैं एस इंक्लूडिंग दिस दैट इज फोर फैक्टोरियल I that is 2 factorial और n that is all 2 factorial अब ठीक है ये समझ आया आप लोगों yes sir हो गया है ना अब चलो इस पे अब हम बात कर रहे हैं इस वाले s की तो a तो अभी भी उतना ही है but s जो है एक कम हो गया बाकी का सारा as it is उसके बाद चलते हैं इस पर तो इंक्लूडिंग दिस इज 2 फैक्टोरियल और अगला एस था तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एस सिर्फ 2 बचे हैं और बाकी सब तो है एज इट इज उसके बाद 6 तो यहाँ पे 6 है ठीक है अब इंक्लूडिंग दिस एस कितनी बार है 2 बार ए कितनी बार है तो ए को तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता लेकिन एन और आई लिखना पड़ेगा हमें एन और आई फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े फिर वापस से एस है अब एस कितना बचा एक ही बचा तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है लेकिन ये अभी भी एज इट इज है ठीक तो यहां तक हमने टैकल कर लिया अब यहाँ पे चलते हैं आई पर So including this, that is what 1, including this 2 factorial and n is also there. उसके बाद हम चलते हैं, ये भी हो गया done. अब हम इस पर चलते हैं, n पर. ये 2, अब आपको मालूम है, i तो बचा नहीं, बस ये बचा. अब हम इस पर चलते हैं. तो ये कितना है? 0 factorial, यानी 0. तो repetition, किसी की मालूम 1 लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं. रिपीटेशन बची नहीं किसी की तो इसकी भी बात हो गई अब हम इसकी बात कर लें टी की वहां भी कुछ नहीं है ओ वहां भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देता हूं चाहे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 अपॉन 1 एंड 0 अपॉन 1 अब देखिए इसमें से किस किस को भूल जाओगे आप एक तो आप इसको भूल जाओ एक आप इसको भूल जाओ एक आप इसको भूल जाओ एक आप इसको भूल जाओ जो बचे अब आपके पास अच्छे से मालूम है आपको टोटल कितने लेटर हैं 13 तो 13 तो आप क्या करोगे 12 इनटू समथिंग 11 इनटू समथिंग 10 इनटू समथिंग प्लस प्लस 1 इनटू समथिंग एंड 1 इनटू समथिंग कर लोगे अब ये यस सर ठीक है तब उसको कर लेना वैसे तो इस लेटर में फंसना ही नहीं चाहिए था बट स्टिल हमने ले लिया तो चलो कर लिया अब आगे बढ़े तो रैंक ऑफ डिक्शनरी से आगे बढ़े यस सर चलो आगे बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक लेते हैं ये क्वेश्चन हमने उसमें परमुटेशन में किया था अगर आप लोगों को याद प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल दैट इज 2 टू द पावर n n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इसको मैं एक और एक बार प्रूव कराना चाहता हूं बट इसको प्रूव कराने के पीछे मकसद है एम है इसलिए करा रहा हूं अदरवाइज मैं नहीं कराता ठीक है तो 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2n फैक्टोरियल को आप क्या ओपन कर सकते हैं तो आप कहेंगे सर इसको हम 2n लिखेंगे थोड़ी देर में 2n-1 2n-2
2n-3, 2n-4 और इसी तरीके से लास्ट में आपका यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सोचने और समझने वाली बात दोस्त ये है कि ये 2n नंबर है, मैंने यहाँ से एक 2 बाहर निकालना है, एक 2 यहाँ से बाहर निकालना है, एक 2 यहाँ से निकालना है, एक 2 यहाँ से लेना है, एक 2 यहाँ से लेना है और एक 2 यहाँ से लेना है। कितनी बार ले रहा हूँ मैं, आप नोटिस करने वाली बात देखो, एक ऑल्टरनेटिव वे में ले रहा हूँ, राइट? बोलो हाँ यस सर। तो इसका मतलब ही टोटल 2n नंबर थे और मैंने 2 अल्टरनेटिव में निकाला, तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि 2 की पावर n बाहर आया। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। अब मैं आपको कुछ ब्लू कलर के रंग कलर से मैं कुछ चीजें मार्क करके दिखाऊंगा, उससे समझना यहाँ पर क्या बचा इस जगह पर। तो आप कहेंगे सर n बचा, यही कहेंगे? मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहेंगे सर n-1 बचा। मैं पूछूंगा यहाँ पर क्या बचा, तो आप कह देंगे n-2 बचा। ठीक, मैं आपसे यहाँ पूछूंगा तो आप मुझे कह देंगे सर 3 बचा, यहाँ पूछूंगा तो आप कह देंगे 2 बचा, यहाँ पूछूंगा तो आप कह देंगे 1 बचा। क्या इस बात से किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ है? नो सर। अब यहाँ 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 तक हमने अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की किसी भी तरह की, तो इन नंबर्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या है ये नंबर? 2n-1, 2n-3 और यहाँ पर 5, 3, 1। तो ये 2 की पावर n ऐसी लिखा रहने देता है। इसको गौर से देखो, ये क्या है? फैक्टोरियल। शाबाश। और ये जो पीछे का सामान है ये सब, क्या मैं इसको 1, 3, 5, 2n-1 लिख दूं? अगर आप लोगों को पेट में दर्द ना हो रहा हो, लिख दे खुश। तो देखो जरा ऊपर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक, लेकिन दोस्त बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात तो यहाँ से शुरू होती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस सब चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल, क्योंकि ये सब किसके बराबर है? 2n फैक्टोरियल के बराबर। तो 2n फैक्टोरियल दैट इज 2 की पावर n एंड n फैक्टोरियल मस्ट बी इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 2n-1। यस और नो? यस यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अब मुझे एक बात का और जवाब देना, तुम लोग तो अच्छे बच्चे जवाब दे ही दोगे। मैंने लिखा यहाँ पर 100 फैक्टोरियल, ये लिखा। अगर 100, ये 2n फैक्टोरियल था तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया, 100 फैक्टोरियल हो तो क्या लिख लूं मैं इसको, बताओ? बता पाओगे? 250 फैक्टोरियल। हाँ, ऐसी 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 बताना है सर। 2 × 50 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 की पावर 50, 50 डिवाइड बाय 50.50 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमें यही सीखना है कि इसको हम ऐसे कैसे लिखें। ठीक है, अब मैं इस बात को रिवर्स करूंगा अगले पेज पर। ठीक है, क्या है मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर? मेरा क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एन ऑड नंबर कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर एन ऑड नंबर 1, 3, 5 और 2n-1 होते हैं। Am I right? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये तो एन ऑड नंबर हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 100 ऑड नंबर या 50 ऑड नंबर, अगर मान लो इसकी जगह पे मैंने 50 लिख दिया होता, 50 ऑड नंबर, तब क्या होता? मैं इसको बोलता मल्टीप्लीकेशन बोलूं या इसको प्रोडक्ट बोलूं? प्रोडक्ट ऑफ 50 एन ऑड नंबर, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 50 एन 50 ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है? ऑड नंबर जो आते हैं वो एक छोड़ के एक से आते हैं। इसका मतलब जो असल कहानी होगी, अगर मैं 50 की बात बोल रहा हूँ
तो असल में वो 100 नंबर्स की बात कर रहा है। टोटल नंबर्स कितने होंगे वहां पर? 100 होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 1, 3, 5 एन ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ तो 99 तक जाएगा, और वो कितना होगा? यहाँ पर 100 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर 2 की पावर 50 होगा, और यहाँ पर 50 होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? भाई यस सर अब मैं इस बात को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर 50, 50 फैक्टोरियल एंड 1, 3, 5 अप टू 99, ऐसा लिख दिया। तो अब बात बताओ मुझे, क्या ये जो है 50 ऑड नंबर्स हैं या नहीं है? यस सर। मतलब समझ गए, डबल का मामला चल रहा होता है, 2 की पावर 50 हो गए हैं, 50 हो गया। इसी का क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब हम इस बात को ना थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये 100 था, ये क्या था? 100 था। हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या इस 100 को बैक में ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं? 100, उसके बाद 99, उसके बाद 98, उसके बाद 51, उसके बाद 50। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? इसको यस और नो? यस सर। अब का बोलो। हाँ यस सर। ओके ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं, सबको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया ये कितना दिखेगा आपको? थोड़ी देर में 50 दिखाई देगा ऐसी, बाकी सबका हाफ दिखाई देगा। यस सर। यस सर। तो हम ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट जो अभी यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जो ये जो हमने अभी लेफ्ट साइड में जो किया है इसको इजी वे में फिगर आउट करने का तरीका होगा वो। ठीक है, ऐसे डिवीजन वाला मेथड यूज करेंगे तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, ये ऑड नंबर वाला तो कर लिया हमने 50 ऑड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मुझे करना है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। 100 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर m m i, वेयर i इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर, यानी कहानी अभी भी वही है, m फिगर आउट करना है। एक बात बताओ कि कहीं पर अगर 100 फैक्टोरियल लिखा हो, 100 फैक्टोरियल, तो क्या मैं इसको 2 into 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? यस और नो बोलो। बोलो हेलो। यस सर। अगर ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो फैक्टोरियल का साइन दूसरा वाला लगा लो। क्या था वो भाई? कहीं अगर 100 फैक्टोरियल लिखा है तो उसको क्या मैं 2 into 100 फैक्टोरियल लिख लूं? यस और नो? तो आप कहेंगे यस, और थोड़ी देर पहले आप इसको ड्राइव करके आए हैं, आपने क्या लिखा था इसको? 2 की पावर 50 एंड 50 फैक्टोरियल दैट इज व्हाट? 1, 3, 5 और लास्ट में 99। ये करके आए थे, ना? तो अगर 2 की पावर 50 की बात करूं तो 2 की पावर 50 जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 100 के नीचे, तो अपने आप डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ये तो आपको मालूम, चलो ये तो पहला हो गया। अब एक बार बताओ, अगर मेरी इसकी जगह पर मैंने आपको लिख दिया 50 फैक्टोरियल, क्या लिख दिया? 50 फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 2 into 25 फैक्टोरियल, राइट? 2 into 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे 2 की पावर 25 एंड यहाँ पर 25 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 3, 5 और 49। यस और नो बच्चों? यस सर। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 25 फैक्टोरियल,
सर ऊपर वाले में 2 × 50 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 25 से ऊपर वाले में 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में 2 to the power 50, 50 फैक्टोरियल 13599, वो आपने वहां पर 2 × 100 फैक्टोरियल लिखा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला, ये ठीक है, क्लियर है। अब ये 25 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका कुछ कर सकते हो क्या? इसका आप सिवाय इसके कुछ और नहीं कर सकते, 2 की फॉर्म में तो नहीं कर सकते इसको, राइट? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने 24 फैक्टोरियल आ जाए तो उसका कुछ कर सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको तो हम देख सकते हैं 2 × 12 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 की पावर 12 एंड 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ऑड नंबर 1, 3, 5 कहाँ तक जाएगा, ये 11 तक जाएगा, क्योंकि टोटल 12 है। चलिए ठीक है, 12 हो गया। अब मैं आपसे कहूँगा 12 फैक्टोरियल का बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसको लिख सकते हैं 2 × 6 फैक्टोरियल एंड 2 to the power कितना बताओ, 6, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 3, 5, ओके ठीक है। थोड़ा और नीचे ले जाते हैं इसको, अब ये 6 फैक्टोरियल लिखा है, 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो आप बोलो? 2 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है 2 × 3 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3, और आपका 3 फैक्टोरियल और 1 और 2, कितना आया, कुछ और आएगा सर? 2 तक ही आएगा, 2 भी लिखने का कोई सेंस बनता है सर? 2 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, ठीक है ठीक। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास बचा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या कर सकते हो? तो 3 फैक्टोरियल कर सकते हो 3 × 2 फैक्टोरियल, क्या इसके अलावा कुछ कर सकते हो इसको? नहीं ना, नो सर। चलो अब इसको ना एक्युमुलेट करके लिखना है मुझे, अगर मैं सबको एक्युमुलेट करके लिखूं क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं इसको 2 की पावर 50 + 2 की पावर, यहाँ पर 50 था, फिर 25 था, उसके बाद कितना है 12 है एंड 6 है, 3 है और 1 है, ये लिख सकता हूँ यस और नो? बताओ जल्दी से यस और नो? यस सर, यस सर। और क्या बचा है साथ में? आई बचा है, आई क्या चीज है? ऑल प्रोडक्ट ऑफ, हमने तो गलत नहीं करा, 2 × 12 फैक्टोरियल में n 12 है तो 23 तक मैं लिखा होंगे ना, 2 × दोबारा बोलना बेटा सर, 24 फैक्टोरियल में n 12 है तो 135 से 23 तक जाएगा ना, आपने 11 तक ही लिखा है, वो सारे स्टेप ऊपर लिख दिया आपने, इस वाले में क्या बेटा, इस वाले में हां 23 तक नहीं जाएगा, एक मिनट लेट मी चेक, एक्चुअली 24 है तो 23 तक जाएगा, बिल्कुल सही है, और 6 वाले में 11 तक, 3 वाले में 5 तक, ये 11 तक जाएगा और ये 5 तक जाएगा, ठीक है 3 तक जाएगा, ये 5 हो गया और ये आपका 6 है, ये वाला नहीं, वाला 5 तक और 3 × 2 फैक्टोरियल 3 तक, ठीक 2 × 2 × 1 1 × 3 यानी 1 और 3 आ जाएगा इसमें, सही कह रही है, ये आ गया, तो सम तो आई थिंक यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऑड हो गया, तो ये सब टोटल था क्या, ये एक्चुअली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 97 × i, यस और नो? भाई i क्या है, i इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड मल्टीपल, ठीक है ऑड नंबर्स और प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ये बड़ा लेंथी और अजीब सा मेथड है, इससे ये करना बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं कि इतना लंबा कौन करता रहेगा, तो फिर हमने इसका एक जुगाड़ निकाला, और जुगाड़ क्या निकाला वो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, तो जुगाड़ ये है इसका, नोट करने वाली बात है, आप लोग लिख लो इसको, मैं पॉइंट लिखा दे रहा हूँ उसके,
यहाँ पे दो तीन टर्म होती हैं, तो एक टर्म होती है एम, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। आपको मालूम है ये क्या है एक्सपोनेंट? ठीक। दूसरी सबसे जरूरी चीज, आपको एक बात मालूम होगा कि दुनिया का हर नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। क्या ये बात मालूम है? आप कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी, बोलो कोई एक नंबर। एट। एट। आपने एट नंबर बोला, एट के मैंने फैक्टर कर लिए, ये कर लिए, ये प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता है। बोलो, प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो ये बताओ। जल्दी बोलो। तो जो सिर्फ अपनी टेबल और एक की टेबल में, जो सिर्फ अपनी टेबल और वन की टेबल में, वन की टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब आप सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछूंगा आपसे वो कौन सा बताओगे? टू, और ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट? तो इस वाले में टू मिला आपको? यस सर। टू मिल गया, इसका मतलब प्राइम नंबर मिल गया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि दुनिया का हर नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी प्राइम नंबर उसका फैक्टर होता ही होता है। एक और नंबर बोलो, मान लीजिए आपने बोला 36 बोला फॉर एग्जांपल, तो कुछ भी मिले ना मिले, यहाँ पर एक चीज तो मिल गई बिल्कुल साफ तौर पर, टू तो मिल ही गया। ठीक, कोई भी नंबर मान लो, जैसे ये तो हमने दो इवन नंबर ले लिए, कोई मैं ऐसा नंबर ले लेता, मान लो 17 ले लेता, तो 17 क्या होता? 17 इंटू 1 होता, और 17 अपने आप में क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो दुनिया में हर नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब अगली चीज, यानी कि मैं करके दिखा रहा हूँ सीधा। मान लीजिए 24 लिखा हुआ था, इसको मैं लिख लिया 212। ठीक, 2 तो मैंने बाहर ही ले लिया, 12 को भी आप लिख सकते हो, 3 × 2 ये लिख सकते हो। तो आपको ये तो प्राइम नंबर है, बाकी अंदर भी आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है। 120 लिखा मान लीजिए, तो ये क्या होगा? 2 की पावर 3, 3 × 5 होता है, तो यहाँ पे भी आपको प्राइम नंबर मिल रहा है। प्राइम नंबर तो आपके पास 3 भी है ये, ठीक है, और 5 भी है प्राइम नंबर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे काम की चीज क्या है जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको। ईपी, ईपी होता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल। अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ईपी, किसका? एन फैक्टोरियल। एन कोई नंबर होगा, हमें नहीं मालूम कौन सा है। इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन पी, और ये जो होता है आपका, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन अपॉन पी स्क्वायर प्लस एन अपॉन पी क्यू, और ये इस तरीके से चलता रहता है। ठीक, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और पी, पी मालूम है ना पी क्या है यहाँ पर? एम तो आपको मैंने बता दिया कि एक्सपोनेंट होता है, पी क्या होता है? पी इज अ प्राइम नंबर, क्लियर है? यस सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है वो ई, अब हमें जो ये जो हमने लिखा था ना पी, पी एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, ये दो का निकालना है। किसका निकालना है? दो का, इसमें 100 में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, 100/2, अगले में क्या लिखेंगे, 100/2 का स्क्वायर यानी कि 4, उससे अगले में क्या लिखेंगे, 100/2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस, और ये कहां तक जाएगा आपको भी मालूम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, तो मैक्सिमम 32 तक ले जाओ या एक और उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 100, दैट इज 64।
ठीक है, इससे ज्यादा आगे जाएगा नहीं। जैसे आपके मन में ख्याल आ सकता था कि सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं ले गए 100/128, तो अगर ऐसे ख्याल आए तो उनको वहीं पे खत्म कर देना। अब इससे हुआ क्या, आप कहोगे इससे रिजल्ट्स क्या आएंगे, 100/2 क्या होता है बेटा, 50 होता है, 50 का GIF 50 होता है, ये कितना होता है 25 होता है, 25 भी होता है, लेकिन जब मैंने 8 से 100 को डिवाइड किया तो कितना आएगा बताओ, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर, ना 100 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 बन जा और 8 × 16 और समथिंग कुछ आएगा, लेकिन GIF क्या कहता है, वो कहता है कि सिर्फ 12 लिखो, उससे अगले में 16 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, उससे अगले में करेंगे 3 आ जाएगा और उससे अगले में करेंगे 1 आ जाएगा। लेकिन इन सब का ऐड जो 97 आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो एक बार, तो 97 जो 100 का हमने निकाला कि पिछले वाले में भी 97 आया था टू के लिए, तो ये करना या ये करना, आपको मालूम है कितना इजी है अगर हमें ये करना पड़े तो हम ये ही करेंगे आगे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमने रिजल्ट्स भी दिए हैं, सारा कुछ लिख के दिया ये, आई होप क्योंकि इस पर राइटिंग खराब आ रही है। अब हमें निकालना 5 degree of 100, 5 degree of 100 निकालना हो तब हम क्या करेंगे, इसमें तो हम क्या करेंगे, E 5 इसके लिए 100 के लिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 100/5 रखेंगे, फिर हम 100/25 रखेंगे, फिर हम 100/125 रखेंगे, और 125 को हम खुद ही भूल जाएंगे, ये कितना बचेगा 20 बचेगा, ये कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना हो गया 24, तो हम क्या रिजल्ट निकाल लाए, कि अगर हमें 5 की पावर ढूंढनी हो कितनी मिल जाएगी, ये क्या लिख दिया, 5 की पावर ढूंढनी हो तो कितनी मिल जाएगी 24, क्लियर है। यस ठीक है, एक और लेते हैं, 3 की पावर निकालनी है, इसमें क्या करें, तो मैंने कहा ई पी की जगह पर 3 है और निकालना 100 फैक्टोरियल में ही है, तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए 100/3 GIF, दूसरा 100/9, तीसरा 100/27 और उससे अगला 100/81 और उससे अगला कितना होता है, जरूरत नहीं है 243, इसकी जरूरत है नहीं, तो फाइनली दिस इज व्हाट 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 33 आ गया, 11 पॉइंट समथिंग, 11 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया भाई 1, 4, 5 और 3, 8, 48, क्लियर है भाई। यस सर, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक आध और देखते हैं, 3 वाला तो हमने कर लिया ना, ये तीन वाला हमने कर लिया, तो हमने मोटे मोटे तौर पर ये देखा कि 2 की पावर 93 आया था कहीं पर, 3 की पावर जो हमने निकाला 48 आया है कहीं पर, ये सारी चीजें हमने फिगर आउट कर ली। अब हम लिख दिया 18 को जब हम निकालने जाएंगे तो क्या आने वाला है, तो हमें निकालना है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल। ये जो 18 है ये क्या है, देखो अभी तक हमने जितने भी नंबर लिए, चाहे 2 लिया हो, चाहे 5 लिया हो या 3 लिया हो, ये सारे क्या थे, प्राइम नंबर थे, क्या 18 प्राइम नंबर है, नो नो सर, 18 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या करें, 2 × 9, यस, तो इसको थोड़ा और ठीक से इज्जत से लिखेंगे 2 × 3 की पावर 2, ये थोड़ा ज्यादा इज्जतदार लग रहा है ना, यस और नो सर, तो अगर मैं 2 की पावर लिखूंगा तो आपको मालूम है 97 आती है, निकाल के देखी थी ना, और ये वाली पावर तो आपने देखी थी 24 आती थी अभी थोड़ी देर पहले, तो 2 की पावर 97 और 2 की पावर कितना हो गया 48, सॉरी 3 की पावर 48, लिखा था कि नहीं लिखा था,
यस और नो? यस सर। तो भाई देखो यही तो हमने कुछ निकाला है, 48 ही तो निकाला है कितनी के लिए, तो 48 आ रहा है, ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से चीजों को फिगर आउट किया जा सकता है। और कुछ कर सकते हैं क्या? देखो थोड़ा और मेहनत करते हैं इसमें, इस स्टेप पे मेहनत करते हैं। ये क्या था, 2 की पावर 97। इस 2 की पावर 97 को क्या मैं तोड़ के लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि 2 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, मुझे उसने ये पूछा है कि भाई 18 की पावर पता तू, बाकी सब छोड़। तो क्या इस 2 की पावर 97 को मैं 2 की पावर 24 एंड 2 की पावर 73 लिख सकता हूँ? यस और नो? यस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे मतलब जरूरत पड़ रही है ऐसे करने की? मुझे ये जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, ये 2 की पावर 24 लिख दिया हमने, ये 2 की पावर 73 लिख दिया, ये 3 की पावर 2 की पावर 24 ऑलरेडी है। और अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा सा अगर फोकस करके देखूं, तो मुझे ये 9 की पावर 24 दिख रहा है, राइट? इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है? यस और नो? नो सर। और अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा था उसने? 18 की। तो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 18 इज, एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल दैट इज 24। क्लियर है? यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें कहीं तो पूछो। मैं अगर 16 मांगता 16 बनाना पड़ता, 18 मांगा 18 बनाए, जो भी वो मांगेंगे वो आपको बनाना पड़ेगा, राइट? चलिए, जीरो निकालने को कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अगर कोई जीरो कह रहा है ना, तो जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, क्या होता है उसका मतलब? 10 फैक्टोरियल। बस 10 होता है उसका मतलब। तो वो निकालना है, कैसे निकाले? कुछ नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ। तो इसकी बात करें यानी जीरो का मतलब 10, ये तो क्लियर रहना चाहिए आपके मन में। 24। हाँ 24, बिल्कुल सही। तो इशिका ने क्या किया, इशिका ने कहा कि भाई ये 100 फैक्टोरियल होता है और ये 2 की पावर 97 होता है, ये बताइए उसको। उसको ये भी मालूम है कि 5 की पावर 24 हो गया है, और अगर ये हो गया तो इसको मैंने 24 लिखा और इसको 2 की पावर 73 लिखा और ये 24 लिखा, सारे गधों को एक साथ किया, जब गधों को एक साथ किया तो इन 2 × 5 हो गया, ये 24 हो गया और ये 2 की पावर 73 हो गया, ये 10 की पावर 24 दिखने लगा, ये 2 की पावर 73 दिखने लगा। नाउ व्हाट वी कैन से कि द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल दैट इज कितना, 20। तो इसका कैसे बताया तुमने सर? जिसका कम हो उसका ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पे वो चाहिए ही। ठीक है, इनमें अगली लाइन मेरी छीन ली कि भाई जो कम होता है इसका उससे ही तोड़ के बनाना होता है, तो वही आपका आंसर आ जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एक्सपोनेंट ऑफ 18 पूछ ले कोई 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 में, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 में पूछेगा तो कैसे बताओगे? ये तो क्वेश्चन ही अलग टाइप का पूछ लिया, नजीब होगा ये सब, तो मैंने घबराने की जरूरत नहीं है। 100 c 50 जो होता है वो 100 फैक्टोरियल अपॉन
50 फैक्टोरियल एंड 50 फैक्टोरियल होता है क्या, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, उसने क्या पूछा, 18 पूछा, 18 पूछा है तो 3 और 2 का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? यस सर। तो ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 48 लिख सकते हैं, यस और नो? निकाल के लाए थे हमने पीछे 100 फैक्टोरियल को, याद है ये रहा? यस सर याद। यस सर ना, यहाँ के लाए थे इसी तरीके से। जब हम 50 का फिगर आउट करते हैं तो आपको वहां से मिल जाएगा 3 की पावर 22। इसका भी 3 की पावर 22 मिल जाएगा। अब सेटल डाउन कर लो, तो 22 22 कितना होता है, दैट इज 48, दैट इज 3 44, तो ये हो गया 3 की पावर 4। इतना ही हुआ ना, इतना ही हुआ, कुछ और हुआ? यही हुआ। फिर 3 की पावर 22 कैसे पता लगा? 3 की जैसे जैसे हमने 100 का निकाला वैसे 50 का निकालेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने लिख दिया। जब आप उसका निकालोगे ना 50 का, तो आपके पास ये आएगा। ठीक, अभी 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 कुछ लिख सकते हैं क्या? 3 की कुछ लिखा जा सकता है क्या, ये बच्चों बताओ? चलो सोच समझ के बताना, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन में मिक्स करा रहा हूँ उसमें, ठीक है, ताकि आपको पता लगता रहे। क्वेश्चन को देख के बताना मुझे क्या है ये, परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन? ए मैन हैज 7 रिलेटिव्स इन विच 4 लेडीज एंड 3 जेंट्स। भाई एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि आपके फादर हैं, उनके 7 रिलेटिव हैं, 7 रिलेटिव में जो 4 लेडीज हैं और 3 जेंट्स हैं। देन His wife, यानी कि आपकी मदर है, उनके भी 7 रिलेटिव हैं, लेकिन उनके भी रिवर्स है, 3 लेडीज हैं और 4 जेंट्स हैं। In how many ways they can call 3 जेंट्स, तो कैसे कॉल करें 3 जेंट्स को, 3 लेडीज को एट ए डिनर, इसपे क्लियर, खाने पर बुलाने के लिए। When the 3 relatives of man and 3 from women's side must become, यानी कि 3-3 दोनों तरफ से आ जाएं, इससे ज्यादा ना आ पाए, तो बताओ ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्यों नहीं है ये सर? क्योंकि लेडीज और जेंट्स अलग अलग है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा सर, कमेटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? बिल्कुल सही बात है, दो अलग अलग पार्टियां हैं। और दूसरी बात, वो लंच पे या डिनर पे बुलाने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं किसके बाद कौन आना चाहिए, किसके पहले कौन आना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, यानी कि वो सिर्फ कॉल कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, दे आर नॉट अरेंजिंग देम। वो उनको ये नहीं कह रहे कहाँ पे कौन अरेंज होना चाहिए, राइट? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। दूसरा एक और बात बताऊं एग्जांपल के तौर पर, आपने देखा वो बोर्ड बनाते थे, हम कमेटी बनाते थे, कमेटी और बोर्ड दोनों केसेस किसके होते थे, कॉम्बिनेशन के होते थे। ये भी तो बोर्ड और कमेटी की तरह ही है, यस और नो? यस सर। यस सर। लोग सिलेक्ट करने हैं तो इट्स आल्सो बोर्ड और कमेटी। ठीक, चलो करेंगे कैसे, किसी को आइडिया है क्या करना है इसमें, बताओ क्या तरीका हो सकता करने का? पहले तो सिंपल सी चीज आप ये लिख सकते हो कि जो इनके पास टोटल 7 मेंबर हैं, 7 में से 4 जो है लेडीज हैं और 3 जो है जेंट्स हैं। ये जो वाईफाई हैं, इनके पास भी 7 लोग हैं, लेकिन इनके 3 ये हैं और 4 ये हैं,
लेकिन हमें जो चूज करना है डिनर के लिए जो बुलाना है वो हमें टोटल 6 लोग बुलाने हैं, जिसमें 3 L आने चाहिए और 3 G आने चाहिए। ठीक, चलिए मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अरेंज करते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने इसमें से 3 लेडीज, अगर 3 बंदे अरेंज कर दिए, इन्होंने 3 बंदे अरेंज कर दिए और वो क्या हो गए, मान लो लेडीज हो गई, तो टोटल 3 लेडीज ठीक है चाहिए हमें। 3 की 3 ने हस्बैंड ने मान लो बुला दी, तो इसका मतलब इधर की तरफ से लेडीज कितनी आएंगी, 0 आएंगी कि नहीं आएंगी, यस और नो? यस। तो यहां से जेंट्स कितने आएंगे, 0 आएंगे, लेकिन यहां से जेंट्स लाने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? यस भाई, अगर फादर ने अपने सारे रिलेटिव्स में से 3 लेडीज बुला ली तो इसका मतलब लेडीज अब और कहीं से नहीं आ सकती, वाइफ की तरफ से भी लेडीज 0 आएंगी, बट जेंट्स बुलाने अभी बाकी हैं, तो वो कहाँ से आ गए, वाइफ की तरफ से आ गए। इसका रिवर्स केस भी हो सकता था, इन्होंने 0 कर लिया तो ये वाला 3 करना पड़ जाएगा और ये वाला 3 करना पड़ जाएगा तो ये वाला 0 करना पड़ जाएगा। तो क्लियर है ये बात, यस और नो? यस यस सर। ठीक है, रिवर्स केस और कुछ नहीं है। अगर इन्होंने यहाँ से 2 बुला लिए तो यहाँ से 1 बुलाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, अब देखिए 4 लेडीज जो सिलेक्ट, 2 लेडीज सिलेक्ट हो चुकी है 4 में से, यहाँ पर 4 में से 2 लेडीज सिलेक्ट हो गई, लेकिन हमें तो टोटल 3 बुलानी है, तो 1 यहाँ से आ जाएगी। ठीक, जेंट्स 1 सिलेक्ट हो चुका है लेकिन हमें तो टोटल 3 बुलाने, तो 2 यहाँ से हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? पर अगला केस इसका, यस सर। ठीक, इसके अलावा कोई केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो बस अब इन्हीं बातों को मैं पढ़े लिखे लोगों की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो पहला केस हो गया 4C3, यानी 4 में से 3 बुलाना और 3 में से 0 बुलाना इनटू 3 में से 0 बुलाना इनटू 4 में से 3 बुलाना। ठीक है, ये पहला केस हो गया, प्लस दूसरा केस, यानी ये पहला केस, अब दूसरा केस 4 में से 0 बुलाना, 3 में से 3 बुलाना, 3 में से 3 बुलाना और 4 में से 0 बुलाना। अब तीसरा केस, उसमें क्या था, 4 में से 2 बुलाना, 3 में से 1 बुलाना, 3 में से 1 बुलाना, 4 में से 2 बुलाना और आखिरी केस ये भी हो गया, 4 में से 1 बुलाना, 3 में से 2 बुलाना और यहाँ पर 3 में से 2 बुलाना और यहाँ पर 4 में से 1 बुलाना। क्लियर है क्या सबको, ये सॉल्व कर लोगे इसे? यस सर। फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताओ, फटाफट से। हाँ बोलो सर, हमने 3 0 0 3 को एक साथ लिया फिर? हाँ बोलो, 3 0 और 0 3 को एक साथ लिया। हाँ ठीक है सर, यहाँ तो हमने मल्टीप्लिकेशन की बट यहाँ पे उसके बाद प्लस में लगा दिया। हाँ प्लस में बताता हूँ, ये तो एक ही केस है ना, देखो ये तो एक ही तरीका है चूज करने का, ये वाला तो ये एक ही तरीका है ना, तभी तो पूरा हुआ एक तरीका भाई। इन दोनों को देखो, टोटल 6 बंदे तभी तो सिलेक्ट हो पाए, यहाँ भी 6 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ भी 6 हुए हैं और यहाँ भी 6 हुए हैं, हमें 6 ही सिलेक्ट करने थे। देखो यहाँ पर 3 ये करने थे, 3 ये करने थे,
टोटल छह होंगे तो ही तो एक केस होगा, तो जब केस अलग अलग होते जाते तो हम प्लस करते चले जाते हैं ना उनको। ठीक है, करो फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ। हो गया बेटा? सर अभी कर रहा हूँ। 7:30 बजे है क्या? नहीं, 4, 4:30, 5:30 बज गया क्या? नहीं, वो इसी का गायब हो गई ना यहाँ से, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये 4 आया होगा, ये 1 आया होगा, ये 1 आया होगा, ये 4 आया होगा, 485। अरे वाह, 1 1 1 प्लस 4C2, 4C2 क्या होता है? 4 factorial 3 factorial, और 2 से 2 वहां कट गया, 6 × 12 × 3 × 3 × 12 और 4 3 3 3। ये यही कैलकुलेशन किया बेटा, देखियो। ये सर ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। 3 × 4 144 के बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, चलो। एनीवे, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है, इन अ रेस्क्यू टीम ऑफ 13, 4 ऑफ देम फ्रॉम नेवी, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 जवान्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 2 फ्रॉम आर नेवी, 2 हर अलग अलग नेवी से होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, हमने जब बेसिक पढ़ा था वहां पे किया था, हमने अलग अलग टीम बनाई थी। तो मैं एक बार फिर इसकी कंडीशन आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से मेमोराइज हो जाए और सिंपल वे में याद रहे। इसकी कंडीशन लिख लीजिए। पहली कंडीशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आर थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। तो अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एन सी आर। क्लियर है क्या सबको? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ओके, अब दूसरी बात, सिलेक्टिंग पी थिंग्स या आर प्लेयर्स, आर थिंग्स
या थिंग्स बोल लो या प्लेयर्स बोल लो जो आपको सही लगे। थिंग्स, थिंग्स मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि यूजली जो टीम नहीं बनाई जाती थिंग्स की, तो मैं पर्सन कह दे रहा हूँ। आर पीपल व्हेन व्हेन पी पीपल श्योरली यानी कन्फर्मली सिलेक्टेड, ठीक है, देन केस क्या बनेंगे बेटा, यानी कि ये पी वो केस है जिसमें वो आने ही आने हैं टीम में हर हालत में, तो ऐसे केस में क्या कंडीशन बनती थी, एन माइनस पी, क्योंकि ये तो सिलेक्ट हो ही रखे हैं पहले से, और आर माइनस पी, याद है आप लोगों को मैंने कराए थे ऐसे क्वेश्चन। यस सर। भाई ये 16 लोगों में से 11 प्लेयरों की टीम बनानी है, 16 लोगों में से 11 प्लेयरों की टीम बनानी है जिसमें हर हालत में 16 लोगों में 12 जो है बैट्समैन है और 4 जो है बॉलर हैं, लेकिन दो एक बॉलर या दो बॉलर या एक बॉलर मान लेते हैं और एक बैट्समैन मान लेते हैं, वो हर हालत में सिलेक्ट होना ही होना है, तो हम उस केस में ऐसा लगाते थे। ये आपको याद होगा हमने टीम बनाई थी लॉयर्स की या प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की टीम बनाई थी, उस केस में ऐसा लगता था जिसमें हर हालत में इंक्लूडेड होता था, कहते जो श्योरली सिलेक्टेड वर्ड है इसकी जगह पे ऐसा भी लिखा आ सकता है इंक्लूडेड, और हमारे में आया था जब हमने क्वेश्चन किए थे। अब मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, सिलेक्टिंग आर पीपल व्हेन पी पीपल मस्ट नॉट सिलेक्ट रिजेक्ट, मस्ट रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड तो क्या बनेगा, देन तो उस केस में एन माइनस पी सी आर तब ऐसा बन जाएगा, याद है आप लोगों को कराए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। yes. अब ऊपर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, टोटल 13 लोगों की टीम बनानी है, टोटल 13 लोगों की टीम बनानी है, ये टीम बनेगी टोटल, लेकिन हमारे पास मामला कितना है, हमारे पास 11 एक हैं और 4 फ्रॉम नेवी हैं, ठीक है, तो इतने की टीम बनानी है, यानी 11 और 4 15 हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमें 13 की टीम बनानी है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा है कि 4 आपके पास नेवी वाले हैं लेकिन 2 नेवी वाले चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 कन्फर्म सिलेक्ट कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, yes, sir. है ना, 2 कंफर्म सिलेक्ट हो गए, अब आपको जो बाकी के बचे 11 बचे, 11 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 9 सारे करने हैं, 9 करने, कितने 13 की टीम बनानी है ना, तो सारे करने हैं, 11 के 11 सिलेक्ट करने, नहीं हाँ 11 के 11 करने, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, यानी नेवी को पहले सिलेक्ट करोगे नहीं, जिस चीज पे कंडीशन लगी होती है वो पहले करते हैं और रेस्ट तो हो ही जाता है, तो दिस इज द वे, ओके। चलिए ज्योमेट्री की तरफ चले आप, हाँ बोलो, क्लास है क्या, यस सर, यस सर, हाँ वो केमिस्ट्री वाला सर क्लास है, तो रहते कुछ काम नहीं, चलो कोई बात नहीं, ओवर कर, कैंसिल करवा दो सर, आप ही ले लो चाहे, कैंसिल करवा दो, नो सर, केमिस्ट्री में सर बहुत अभी चल रहा है सिलेबस में, केमिस्ट्री में सर बहुत छूट रहा है अभी, मैथ्स में तो नहीं छूट रहा ना, ओवर कर देते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके सर।